नमस्कार भाइयों, जय गो माता, जय गोपाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको मैं हमेशा थारपारकर नस्ल के बारे में बताता रहता हूँ कि थारपारकर नस्ल की क्या क्षमता है और क्या है थारपारकर नस्ल। थारपारकर दोस्तों जैसलमेर बाड़मेर की वो नस्ल है और इस पश्चिमी राजस्थान की सबसे कठिन भौगोलिक परिस्थितियाँ कहता हूँ जिनको मैं, और बहुत कठिन हालात है। आप जब जैसलमेर बाड़मेर में जो भाई घूमे हैं या जो उन क्षेत्रों को जिन्होंने देखा है, तो वहाँ पे देखा होगा कि चारे की बहुत कम मात्राएं मिल पाती है। 100 बीघा ज़मीन जब खेती करते हैं तो बाजरे की कुछ बोरी ही अनाज मिल पाता है। तो उस क्षेत्र की ये थारपारकर गाय है। दूध के अंदर क्षमताएँ देखो तो जो हमने पाया है कि अगर नॉर्मल थारपारकर की गाय को भी अच्छी सेवा करते हो तो आपको 6 से 7 लीटर टाइम का दूध आराम से मिल जाता है। तो बहुत अच्छी क्षमता रखने वाली ये गाय है दोस्तों। जैसलमेर बाड़मेर के क्षेत्र में सबसे गरीब गाय कहता हूँ, क्योंकि हरा चारा नहीं भी हो तो भी ये गाय सर्वाइव कर सकती है और दाना भी नहीं हो तो भी सर्वाइव करती है और किसान की साथी है। अब इस गाय को पालने के लिए क्या व्यवस्था है हमें करनी चाहिए और कैसे क्या चीज़ें, तो सूर्य प्रकाश जी हमारे साथ में हैं, वो आगे बताएंगे कि भी किस तरह से हम यहाँ पे थारपारकर प्रिजर्वेशन सेंटर पे इन गायों का मैनेजमेंट करते हैं, दूध निकालने के साथ में सुबह क्या चारा देते हैं, क्या खिलाते हैं, वो सारी चीज़ें आपके सामने सूर्य प्रकाश जी बताएंगे। जी सूर्य, सबसे पहले मिल्किंग होती है। मिल्किंग के बाद में चारा बांटा जो अपन मिक्स ही करके डालते हैं, चारे के साथ में बांटा मिक्स करके डालते हैं, अपना चारे के साथ बांटा मिक्स करते हैं, तो अपना खुद का फीड बनाते हैं अपन। हाँ, जो चारे में देखता हूँ कि ये जो ज्वार का चारा है, अपने ऐसे अपन बाजरा भी कई बार देते हैं, ज्वार का भी देते हैं सूखे में, तो ज्वार के भी रिजल्ट अच्छे और बाजरे के भी अपने इस थारपारकर गाय के लिए देखते हैं तो अच्छे रिजल्ट है। इसके अलावा और सूखे चारे में कौन सा अच्छा रहता है गायों के लिए? सूखे चारे में वैसे थोड़ा मिक्स करके दे सकते हैं अपन, जैसे लाइट हो गई, उसमें मसूर में कभी दाने भी आते हैं मसूर के, और जवार में मिक्स कर सकते हैं अपन, बाजरी मिक्स कर सकते हैं और मूंगफली का मिक्स कर सकते हैं, तो थोड़ा कॉस्ट मेंटेन हो जाती है। जैसे अभी अपन देखते हैं कि अपने यहाँ पे जैसे पहले ब्यात की अभी जैसे सबसे अच्छी गायों में ये दूसरे ब्यात में से अडर शेप और क्वालिटी और बाकी सारी चीज़ें देखते हैं तो दूध में भी ठीक दे रही है अभी, मतलब किलो केजी के अंदर देखो 7-7 किलो के लगभग मिल्क रिकॉर्ड में ये दूध दे रही है अभी, सेकंड एमआर में है ये। हाँ, सेकंड मिल्क रिकॉर्डिंग में, मतलब 7 किलो, मतलब 8 लीटर, 8 केजी, अच्छा 8 केजी दूध दे रही है मिल्क रिकॉर्ड, 8 केजी दूध दे रही है। ये है सेकंड लैक्टेशन में, ये है सेकंड लैक्टेशन में। और अभी कितने महीने की बच्ची होगी इसके? इसकी है 1 महीने की लगभग, 1 महीने की बच्ची है इसकी और सेकंड भी आता है अभी। और कितना दूध दे रही है अभी रिकॉर्डिंग? 9 केजी दूध दे रही है, केजी में, केजी में। और इसके अलावा ये छठे एमआर में है, 6 एमआर में, छठा मतलब मिल्क रिकॉर्डिंग के 6 महीना है। और अभी कितना दूध दे रही है? 125 नंबर, 7.5 केजी, 7.5 केजी के लगभग दूध दे रही है। तो इनके फीडिंग में सबसे पहले तो इसे सूखे चारे में तो ये आ गई है, पर हरे चारा इसे देखते हैं तो पानी की समस्या तो राजस्थान है तो है ही है, पर अपन कोशिश करते हैं कि भाई खुले में चरे और उसके अलावा अश्वगंधा शतावरी और जो बाकी सारी चीज़ें हैं वो भी अपन देने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे मोरिंगे लगे हुए हैं, मोरिंगा का भी अपने दूध में ठीक है रिजल्ट, तो इन चीज़ों से थोड़ा दूध बढ़ता भी है और बाकी चीज़ें भी ठीक रहती है। और इसके अलावा जैसे गायों को खुले में रखने का क्या फ़ायदा है? खुले में रखने में गाय क्या है कि स्ट्रेस में नहीं आती, स्ट्रेस में नहीं आती, स्ट्रेस में नहीं आती है, खुली रहती है, जब चाहेगी खाना खा लेगी, जब चाहेगी पानी पिएगी, तो उससे गाय को बहुत अच्छा फील होता है, अच्छा फील होता है, दूध में भी फ़र्क आएगा, दूध में भी फ़र्क आता है। और बच्चों को भी खुला रखने से जो दूध होता है उसका, खुले में रखने उस गाय का, वो भी अच्छी क्वालिटी होती है, वो भी अच्छी क्वालिटी का रहता है। इसके अलावा जब कोई गाय ड्राई करते हैं, अपन महीने भर पहले कोशिश करते हैं कि गायों को ड्राई करते, उसके बाद में उनको फीडिंग में और क्या क्या स्पेशल चीज़ें, जैसे घी वगैरह या थोड़ा थोड़ा देते हैं अपन, तो बाकी सारी चीज़ों में और क्या ध्यान रखना चाहिए ब्याने के पहले या ब्याने के बाद? बैलेंस राशन में क्या क्या चीज़ें अपन दे सकते हैं? बैलेंस राशन में जो बैलेंस राशन का मतलब है, उसमें प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स जो भी है, कार्बोहाइड्रेट, वो संतुलित मात्रा में होना चाहिए। जो रेशो है वो जो अपन अपना फीट बनाते हैं, पहले भी वीडियो बनाया था, 33-33 का जो रेशो है वो बना के रखना है। उसका नमक है, उसके अलावा जो खेली के अंदर अपन ये कैल्शियम वाला चूने वाला करते हैं, और जो नमक के डले रखते हैं मार्केट से लेके आते हैं, इससे अच्छा है, सबसे अच्छा स्रोत है कैल्शियम का चूने का, चूने वाला, खेली में चूना मिला तो, या सप्ते में 2 बार चुने से निपाई करते हैं। तो सुरभिया जी, इतने टाइम से आप जैसे यहाँ पे हैं,
तो क्या एक जैसे ये सेंटर जैसे इस स्तर तक खड़ा हुआ है तो एक आदमी सपना देख सकता है क्या, वो भी ऐसा सेंटर अपना बनाना चाहे तो बना सकता है? तो उसके लिए उसे क्या करना होगा? उसके लिए गाय के ऊपर पैसा खर्च करना है, उसके अलावा नंदी मेन तो नंदी गाय के ऊपर न्यूट्रिशन के ऊपर पैसा खर्च करना है, ना कि बड़े बड़े सेट बनाना है। गाय खुश रहनी चाहिए, अपना रिजल्ट है, गाय खुश रहनी चाहिए, हैप्पी रहे बस। और ये होता है कि जाते ही मशीन की तरह लोग सोचते हैं कि दोहन कर लो, आज ही गाय दूध निकाल दो, वो होता है। जितना गायों को आप खुश रखते हो, ये आज इतने टाइम से यहाँ घूमता है यहाँ पे, तो धीरे धीरे इनका दूध बढ़ने से धीरे धीरे मतलब हर लैक्टेशन में इनमें अलग अलग सुधार आया है। तो ये लगभग सारी छोटी छोटी बछड़ियाँ यहाँ पर आई थी और आज इन्होंने बच्चे भी दिए अपने। ये है थारपारकर की सुंदरता, प्रेम, बहुत सुंदर बच्चे सारे थारपारकर के। तो दोस्तों एक आम इंसान भी अपनी सेवा के माध्यम से इस तरह की थारपारकर की नस्ल तैयार कर सकता है, एक समय लगता है। तो आप ज़रूर प्रयास करेंगे और एक अच्छा संवर्धन केंद्र सभी जगह खुले और थारपारकर का एक जो मुहिम चली हुई है, मुहिम को नया आयाम मिले, इसके लिए जो भी प्रयास हमसे भी होगा तो आप हमसे संपर्क करें तो हम करेंगे आपका सहयोग। इसके अलावा हमारी शुभकामनाएं आप सभी मित्रों को। धन्यवाद सूर्य प्रकाश जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, इस जानकारी से लोगों को ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, जय गोमाता।